पुराने जमाने में लोगों की कही हुई बातें वास्तव में आज के जमाने में सत्य होती जा रही है। कोई शब्द ऐसा नहीं है जिससे मंत्र बन सकता, कोई वनस्पति ऐसी नहीं है जिससे औषधि नहीं बन सकती, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो किसी काम का ना हो। अपनी इसी सोच के साथ सुरेश निर्मलकर ने अपनी बेरोजगारी की चिंता को ताक पर रख कर खुद ही खुद के पैरों पर खड़ा होने की ठानी। बीए की डिग्री लेकर कभी नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटकता था, आज 40 लोगों को स्वयं रोजगार दे रहा है। कोरबा जिले के सुरेश निर्मलकर ने जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताया कि उन्हें नौकरी तलाशने के बजाय खेती करने की सलाह उद्यानिकी विभाग से मिली थी, सहयोग का आश्वासन भी मिला था। शुरुआत में 2 एकड़ जमीन किराए पर लेकर खेती शुरू की। पहली बार में 6 लाख रुपए का खीरा और 2 लाख रुपए की बरबट्टी बिक गई। उत्साह बढ़ा तो और जमीन किराए पर ले ली, आज 20 एकड़ में खेती कर रहा है। 20 से लेकर के सिंचाई व्यवस्था तक उन्हें राज्य सरकार के उद्यानिकी विभाग से मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने श्री निर्मलकर को बधाई देते हुए कहा कि शासन के योजनाओं का आपने भरपूर लाभ लेकर न सिर्फ खुद स्वावलंबी बने बल्कि दूसरों को भी रोजगार देकर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ के सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।